जयपुर की बड़े 30 स्टॉल कारोबारी के दो ठिकानों पर आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। कल दोपहर से मित्तल के केसरी नंदन स्टील और कपिलेश्वर स्टील के साथ ही उनके घरों पर भी सर्वे का काम जारी है। इस दौरान तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही इस दबिश में कहीं न कहीं चीनी कनेक्शन खोजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्टील कारोबारी हवाला के पैसों से जुड़ा हुआ था, जिसके आधार पर आयकर की टीम दबिश देकर सर्वे कर रही है। मामले में जांच जारी है, इसलिए किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजधानी रायपुर के बड़े स्टील कारोबारी के दो ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने कल दोपहर से दबिश देकर सर्वे की कार्रवाई शुरू की है और बताया जा रहा है कि इस सर्वे की कार्रवाई में कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बम्बई से एक पकड़ाए गए एक आरोपी में दो बातें निकल करके सामने आ रही थी, वो कुछ नामे बताए थे जिनके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कल दोपहर से केसरी नंदन स्टील और एक कपिलेश्वर स्टील पर सर्वे की कार्रवाई जारी है। लगातार दोपहर से रात तक दस्तावेज खंगाले गए, कई दस्तावेज है उसके साथ आधुनिक यंत्रों के जरिए भी उसमें पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन चेक किए गए और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा टैक्स चोरी का भी मामला खुलकर सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं बड़ा हवाला का भी जो मामला है वो भी निकल करके सामने आ सकता है। देखना ये होगा कि इस जो कार्रवाई चल रही है इसके खत्म होने के बाद किस प्रकार से इस मामला निकल करके सामने आते हैं। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।